again. डेलावेयर से अमेरिकी सेनेटर के रूप में 36 साल बिताने के बाद जो बाइडन 1942 अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बने। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बराक ओबामा ने उन्हें 2008 के चुनाव के लिए दौड़ते हुए साथी के रूप में चुना और इस जोड़ी ने जनवरी 2009 में एरिजोना के सेनेटर जॉन मैकिन और अलास्का के गवर्नर सारा पॉलिन की हार के बाद कार्यालय में प्रवेश किया। दो कार्यकाल के उपाध्यक्ष के रूप में बाइडन ने बड़े पैमाने पर आर्थिक और विदेश नीति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। 2019 में उन्होंने घोषणा की कि वह 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं। जोसेफ रॉबिनेट बाइडन जूनियर का जन्म 20 नवंबर 1942 को स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। 10 साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ विल्मिंगटन, डेलावेयर क्षेत्र में चले गए, जहां उनके पिता ने कार विक्रेता के रूप में काम करना शुरू किया। 1965 में उन्होंने डेलावेयर विश्वविद्यालय से इतिहास और पॉलिटिकल साइंस में स्नातक किया और 3 साल बाद उन्होंने सिरेक्यूज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। इस बीच 1966 में बाइडन ने नीलिया हंटर से शादी की, जिससे उनको 3 बच्चे हुए। लॉ स्कूल खत्म करने के बाद बाइडन विल्मिंगटन क्षेत्र में लौट आए और अगले 4 वर्षों तक एक वकील के रूप में काम किया। फिर 29 साल की उम्र में वह संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनेट के लिए चुने गए। उन्होंने अमेरिकी इतिहास में 5वें सबसे युवा सेनेटर के रूप में शपथ ली। बाइडन परिवार में त्रासदी हुई जब वाहन दुर्घटना में बाइडन की पत्नी नीलिया और उनकी एक वर्षीय बेटी नाओमी की मौत हो गई और उनके 2 जवान बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। उपराष्ट्रपति बाइडन को अपने बेटों के अस्पताल के बिस्तर पर अमेरिकी सीनेट के लिए शपथ दिलाई गई। वाशिंगटन डीसी में रहने के बजाय बाइडन ने हर दिन विल्मिंगटन से ट्रेन से आवागमन करने का फैसला किया ताकि वह अपने बेटों के साथ अधिक समय बिता सके। 1977 में उपराष्ट्रपति बाइडन ने जिल जैकब्स से शादी की। जिल बिडेन पीएचडी कर चुकी है, 2 दशकों से अधिक समय तक एक शिक्षक रही हैं और वर्तमान में डीसी क्षेत्र में सामुदायिक कॉलेज में पढ़ाती हैं। उपराष्ट्रपति के 3 बच्चे हैं, ब्यू, हंटर और एशले। ब्यू डेलावेयर के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य करता है और हाल ही में इराक से घर लौटा है, जहां उसने डेलावेयर नेशनल गार्ड के 261वें सिग्नल ब्रिगेड में कैप्टन के रूप में काम किया था। एशले एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हंटर एक वकील है। उपराष्ट्रपति बाइडन के 5 पोते हैं, नाओमी, फिननेगन, रॉबर्ट माबेल, मैसी, नताली और रॉबर्ट हंटर। बाइडन ने 1978 में और उसके बाद 5 बार इलेक्शन जीता। कुल मिलाकर उन्होंने अमेरिकी सीनेट में 36 साल बिताए, जिसमें 8 साल न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष के रूप में और 4 साल विदेशी संबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में रहे। 17 वर्षों के लिए सीनेट न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष या रैंकिंग सदस्य के रूप में थे। बाइडन को आपराधिक न्याय के मुद्दों पर उनके काम के लिए व्यापक रूप से मान्यता दी गई थी, जिसमें लैंडमार्क 1994 क्राइम बिल और महिला अधिनियम के खिलाफ हिंसा शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो बाइडन ने राष्ट्र के सामने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना नेतृत्व जारी रखा है। उपराष्ट्रपति को अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और स्थायी आर्थिक भविष्य की नींव रखने में मदद करने के लिए अमेरिकी रिकवरी और पुनर्निवेश अधिनियम को लागू करने का काम सौंपा गया था। देश भर में मध्यम वर्ग के अमेरिकियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत उपराष्ट्रपति बाइडन ने कॉलेज की व्यावहारिकता और अमेरिकी विनिर्माण विकास प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताओं के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया। डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन जीतने के बाद बराक ओबामा ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया। नवंबर 2008 के राष्ट्रपति चुनावों में ओबामा और बाइडन ने अपने रिपब्लिकन विरोधियों जॉन मैकिन और सारा पॉलिन को 52.9% लोकप्रिय वोट के साथ चुना। 2012 में उन्होंने रिपब्लिकन चैलेंजर मिट रोमनी और उनके चल रहे साथी पॉल रयान को हराया। जनवरी 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बाइडन पर $787 बिलियन के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की देखरेख करने का आरोप लगाया गया था, मध्य वर्गीय कार्य बल चलाने और रूस के साथ शस्त्र कमी संधि को पुनर्जीवित करने के लिए। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में संघर्षों के संबंध में एक मजबूत सलाहकार भूमिका भी निभाई। 25 अप्रैल 2019 को बाइडन ने 2020 डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए एक वीडियो जारी किया। एक लोकप्रिय पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने तुरंत उच्च नाम मान्यता के साथ दौड़ में प्रवेश किया और राष्ट्रीय चुनावों में फ्रंट रनर का दर्जा बरकरार रखा। निर्वाचित होने पर 77 वर्षीय बाइडन पद ग्रहण करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे।
Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.